हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये जो बेल की शेप में आपको फ्लावर दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। इसकी बहुत ही सुंदर शेप है, एक बेल की तरह इसकी शेप है। इसमें तीन कलर आते हैं, अभी एक आपको येलो दिखाई दिया था और एक ये पीच कलर और एक वाइट कलर। ये वैसे तो धतूरा की फैमिली से माना जाता है, बट ये सेम प्लांट नहीं होता है, फैमिली एक ही है और थोड़ा पॉइजनस प्लांट है, इसलिए बच्चों और पेट से इसको थोड़ा सा ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ उनकी पहुँच ना हो, या फिर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप भी अगर काम करते हैं इसके साथ तो ग्लोव्स पहन कर काम करें, या फिर काम करते ही हैंड वॉश कर लें। और इसमें तो ये यहाँ ज़मीन पर लगा हुआ है, इसलिए ज़मीन पर ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसको जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो सब ज़मीन से मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये वाली ऑप्शन हर किसी के पास नहीं होती है, हमें पोट में भी लगाने पड़ते हैं, तो पोट में थोड़ी इसकी केयर करनी पड़ती है सभी प्लांट की। ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया और अपने आप ही चल पड़ेगा, वो वाटरिंग फर्टिलाइज़र की तरफ से थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है प्लांट्स का, जब भी वो आपको बेस्ट देते हैं। और इसकी ये थोड़ा जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, वाटर इनको बहुत पसंद है। अब इसकी केयर टिप्स के बारे में बात करते हैं, ये इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम सोयल से स्टार्ट करते हैं। इसकी सोयल ऐसी बनानी चाहिए जो वेलडेन के साथ साथ मॉइस्चर भी जिसमें थोड़ा बना रहे। इसके लिए हमें कोकोपीट ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ती है, और फिर गार्डन सोयल और फर्टिलाइज़र जो भी आप यूज करते हैं वो। उसके बाद हमें इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का इतना बेनिफिट नहीं होता है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए और जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो। तो इसमें जो बनाना पील फर्टिलाइज़र और सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है लिक्विड, वो बहुत बेस्ट होता है इस प्लांट के लिए। और इन्फेस्टेशन की बात करें तो इन्फेस्टेशन इसमें लाल रंग के जो छोटे स्पाइडर्स होते हैं उनका अटैक देखा गया है, इसलिए हर 15 दिन के बाद अगर नीम का ऑयल का स्प्रे करें तो बेस्ट रहेगा और प्लांट ख़राब नहीं होगा। और इसके वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि वाटरिंग इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसमें कीचड़ करके रखें पोट में, बस सोयल को मॉइस्ट रखें तो अच्छा है, ड्राई ना होने दें, क्योंकि ये अगर वाटरिंग कम हुई तो इसमें वही है, ये प्लांट बता भी देते हैं और थोड़ा सा जो इनके पत्ते हैं वो लटकने शुरू हो जाते हैं। जब अभी देखिए आसमान की तरफ मुंह है पत्तों का, फिर वो नीचे की तरफ हो जाएंगे जैसे फ्लावर की इनकी शेप है। तो वाटरिंग जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है वहाँ, तब उस एरिया में तो इसको 2 वाटरिंग करने की जरूरत पड़ जाती है दिन में, और लेकिन विंटर में थोड़ा एक तो डोरमेंसी का पीरियड होता है विंटर इसका, और ऊपर से फ्रीक्वेंसी वाटरिंग की कम हो जाती है। और इसके बाद जो इसका जो समर है वो इसका ग्रोथ का पीरियड है, और इसमें इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और डोरमेंसी पीरियड विंटर टाइम होता है, तो उसमें इसको खाली बस पानी का ध्यान रखें। और इसलिए जो जहाँ पर रेन लविंग प्लांट है ये, जहाँ पर रेन होती रहती है पूरा साल, वहाँ पर ये पूरा साल ही ब्लूमिंग देता रहता है आपको। और सनलाइट की बात करें या लोकेशन की बात करें तो इसको ऐसी जगह पर रखना ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर ये डायरेक्ट रेन इसके ऊपर पड़े, और या फिर 5-6 घंटे की जो धूप है वो इसको मिल जाए, तो वो इसके लिए बेस्ट लोकेशन होगी। सेमी शेड में नहीं रख सकते आप इसको, क्योंकि रेन लविंग प्लांट है, अगर रखा भी है सेमी शेड में तो इसको रेन के टाइम में ओपन में ही रख दें तो बेस्ट रहेगा।
जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है वहाँ पर अगर ये सेमी शेड में रखा है, ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर इसको कम से कम 4-5 घंटे की धूप मिलती है तो ठीक है, और जब बारिश का मौसम आए तो इसको फिर बाहर निकाल के रख दें तो बेस्ट लोकेशन होगी इसके लिए। और बहुत ज़्यादा जो सनलाइट होती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है जब हाई टेम्परेचर होता है, वीक पीक पे होता है टेम्परेचर, उस टाइम इसके जो पत्ते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। और ये तो सभी को ही पता है, फ्लावरिंग प्लांट जब होता है कोई भी तो जब उसका फ्लावर स्पेंट होता है तो उसको निकाल देना चाहिए ताकि हमें नए फ्लावर मिल सकें उस जगह पर और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग मिल सके। और इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन कर स्टेम से भी आराम से हो सकती है, स्टेम कटिंग से और सीड से भी हो जाती है, बट सीड से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और आई होप मैंने आपको सारे फैक्टर बता दिए, फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हाँ, कोई अगर नया मेरा फ्रेंड चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर तो बनता ही है, ताकि आपको और हाँ विद बेल आइकन क्या, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और बने रहिएगा मेरे चैनल पर ऐसे ही आगे नॉलेजेबल वीडियो के लिए। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।